जंगलों में रहता हूँ। जंगलों में क्या करने आए थे? कहीं मेरा घर तो जलाने नहीं आए थे? जैसे तुमने मेरा फ्यूचर जलाया मेरे घर वालों को मुझे इंजीनियरिंग करवाने का बोल के। रिश्तेदारों के पास ना एक बहुत भयानक शक्ति है, ये तुम्हारे मम्मी पापा का दिमाग चेंज कर सकते हैं। बच्चा बोल रहा था कि क्रिकेटर बनना है, तो हमने सोचा चलो क्रिकेट अकेडमी ज्वाइन करवा देते हैं। भाई साहब आपको क्या बच्चे ने बल्ला मारा है क्या सर पे? नहीं तो जरा अपना दिमाग लगाइए, ये क्रिकेट विकेट में कुछ नहीं रखा। वो अपने विकास जी की लड़की बोल रही थी सिंगर बनूंगी, कुछ हुआ नहीं तो अब नुक्कड़ नाटक में पेड़ बनती है। मैं हूँ एक जादुई पेड़। क्या हम ये पेड़ का रोल हटा सकते हैं? वैसे भी ये नाटक खरगोश और नेवले की जुगलबंदी के बारे में है। और क्या मुझे कोई बताएगा इधर असली नेवला किसने छोड़ा? अब हमारी फैमिली में एक रिश्तेदार ऐसा होता ही है जिसे ना बहुत जोर से ज्ञान देने की आदत होती है। इसे लगता है कि पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान ना इसके पास ही है, और इनका मन पसंदीदा काम होता है लोगों को एडवाइस देना। तुमने 10th पास करी, अब सब्जेक्ट कौन सा लेना है वो ये बताएंगे। तुमने कॉलेज पास करा, अब नौकरी कौन सी करनी है वो ये बताएंगे। फैमिली में कोई बीमार है, उसका इलाज ये बताएंगे। फैमिली में कोई मर गया, इलाज इनने बताया था, पकड़ो। अब करियर चुनते समय भी ना ये लोग अपनी टांग बहुत अच्छे से अड़ाएंगे। पापा मुझे गेम बनाने वाला बनना है। अरे बेटा जिंदगी एक पूरा गेम ही तो है। भाई साहब आप इसको बनाओ डॉक्टर, बहुत स्कोप है। मतलब इसकी माँ का मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। नहीं पापा डॉक्टर तो नहीं, पापा इतनी पढ़ाई से तो मजदूर बन जाऊंगा मैं, लेकिन डॉक्टर तो। मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, क्या बात कहे आप? भाई साहब हाँ, मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखने वाले को तो चप्पलों से मार देना चाहिए। तुम्हें पता है रिश्तेदारों की नजर ना अपने बच्चे से ज्यादा दूसरे के बच्चे पे होती है। कल को अगर कोई कांड भी कर दोगे ना तो एक बार को पुलिस को नहीं पता चलेगा, लेकिन इन्हें जरूर पता चलेगा। अरे ऑफिसर मेरी दादी झूठ बोल रही है, मैंने उनकी बत्तीसी से पेट नहीं खुजाई। मिस्टर आयू, यू आर अंडर अरेस्ट। लेकिन आपके पास तो मेरे खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। हाँ सबूत नहीं था, लेकिन अब है। मिलो तुम्हारे फूफे से, इनने बिजली के खंबे पे चढ़ के तुम्हारी क्राइम करते हुए फोटोज खींची है। हालांकि वो बात अलग है, खंबे से नीचे उतरते समय इनकी पैंट के साथ चड्डी भी फट गई, लेकिन उसका टेंशन तुम मत लो। पैंट और चड्डी दोनों सही सलामत दर्जी के पास पहुंच चुकी है, वो सुबह तक रफू करके दे देगा। शाम तक। और ये रही तुम्हारी फोटो। गिरफ्तार कर लीजिए मुझे। अब जब भी रिश्तेदार तुम्हारे घर आते हैं, तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें उनसे बातचीत करने के लिए बोलते हैं, और तुम्हें नहीं पता होता क्या बात करनी है। इतनी अजीब सिचुएशन बनती है ना उस समय। और बेटे कुछ नहीं अंकल, यूं ही। अरे पागल खाने के कैदी हंसते हैं ऐसे एक दूसरे को देख के। अब कुछ रिश्तेदार ना तुम्हारे सीधे घर आते हैं और तुम्हें तुम्हारे बचपन की अजीब सी यादें बताने लग जाते हैं। बेटे तेको याद है एक बार मैंने तेको तेरी लंगोट की बल उठा के पंखे पे लटका दिया था, और तेरी माँ ने अनजाने में पंखा खोल दिया था, वो भी 5 की स्पीड पे। मरते मरते बचा था तू। उस समय तुम्हारे दिमाग में बस एक ही बात आ रही होती है, कौन है ये आदमी और बचपन में ये मुझे क्यों मारना चाहता था। बेटे याद है एक बार तू खुले में मूत रहा था तो तेको एक बंदर ने आगे पकड़ लिया था। इतनी बेकार यादें बताएंगे तुम्हें बचपन की, और पता नहीं बटवे के कौन से कोने में इनके पास वो फोटो भी रखी होती है। ये देखो नुन्नी खींच ली थी बंदर ने इसकी। अब ये तो ना फिर भी ठीक है, तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है? तुम आराम से एक चड्डी में बैठे हो और जेल जैसे कटोरे में दाल चावल खा रहे हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और सब कुछ मस्त चल रहा है, लेकिन एकदम से तुम्हारे घर पे 10 रिश्तेदार आ जाते हैं। अब जरा सोचो उस चड्डी पे दाल चावल खाते हुए बच्चे पर क्या बीत रही होगी। तुम्हें वहाँ से भागने तक का मौका नहीं दिया जाएगा भाई, पूरा दिमाग सुनने पड़ जाता है इतने सारे रिश्तेदारों के सामने। ए छोटू अपने मालिक को बुलाना तो जरा। मम्मा अच्छा ये इनका बेटा है। छी अब ये रिश्तेदार ना काफी अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे फैमिली में कोई बहुत बूढ़ा दादाजी नहीं होता है जिसके दिल की जगह भी बैटरी लगी होती है, इसे परिवार वाले मरने ही नहीं देते। इन्हें कुछ हुआ फट से ऑपरेशन, भाई आधा रोबोट बना के रखा है दादाजी को। उधर दादाजी का 150वां जन्मदिन बनाया जा रहा है। हैप्पी बर्थडे दादाजी। वो दादाजी बेचारा अपनी बैटरी के दोनों वायर पकड़ के बोल रहा है, बेटा मार दो मुझे प्लीज, कोई मार दो। हम पीछे तुम्हारे पापा तुम्हें कोल्ड ड्रिंक उड़ाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोल्ड ड्रिंक का एक भी बूंद दादाजी की बैटरी पे गिरा तो तुम्हारा दादाजी टाइम की तरह फट जाएगा। खैर जो भी कह लो, रिश्तेदार हमारे घर से जाते समय अपनी पोटली से थोड़ा धन वो हमें भी दे के जाते हैं, भले ही वो 20 रुपए का लुल्ली नोट हो या 100 रुपए का करारा नोट हो। पर सवाल यहाँ पे ये नहीं है, सवाल ये है कि रिश्तेदारों के साथ इतनी मारामारी के बाद क्या वो 20 रुपए का लुल्ली नोट काफी था,
या नहीं मुझे नहीं पता, मुझे बस एक चीज पता है, सब्सक्राइब करो। चाहे तो ये 20 रुपए का लुल्ली नोट ले लो, लेकिन सब्सक्राइब करो। मेरी आंखें तुम पे ही है, करो अभी। मेरे बच्चे के लिए कर दो यार। ए, क्या तुम्हारा बच्चा मेरे बच्चे से दोस्ती करेगा? चले जाओ यहाँ से तुम्हारा बदसूरत बच्चा लेके। ए, ए, वो, वो, जा रहा हूँ मैं।